इसके पहले जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन और एडॉप्शन पर डिस्कस किए थे, आज ऑक्सीडेशन नंबर पर डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कहेंगे कि द नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज मीन्स पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, द नंबर ऑफ चार्ज व्हिच प्रेजेंट ऑन एलिमेंट और एटम, द नंबर ऑफ चार्ज व्हिच प्रेजेंट ऑन एलिमेंट और एटम इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। इट मीन्स कि किसी एलिमेंट पर या एटम पर जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का जो नंबर होता है, जो संख्या होता है, उसको ऑक्सीडेशन। इट मीन्स इसका एग्जाम्पल लिया जाए हाइड्रोजन प्लस वन, इसका जो चार्ज है प्लस वन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होगा। सोडियम प्लस वन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन। मैग्नीशियम प्लस वन, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू। और सल्फर टू माइनस, तो ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू। एल्युमिनियम थ्री प्लस, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री। सीएल माइनस वन, तो ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन। बट जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है यह डिफरेंट होता है, जीरो प्लस या माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंडिंग करने के लिए रूल होता है, उसके लिए रूल फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या रूल है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए फर्स्ट रूल, थ्री एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जीरो होता है। ऑक्सीडेशन नंबर और थ्री एलिमेंट्स इज जीरो। यदि अगर कोई एलिमेंट इस प्रकार थ्री है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के साथ में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इट मीन्स कि थ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो होता है। या थ्री कोई मेटल के रूप में है तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो जाएगा। इसे सेकेंड पॉइंट, जो गैस होता है, गैस गैस का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। गैस का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जीरो होता है। फॉर इंस्टेंस में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, एल2 का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, O2 का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। मींस गैसों का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो जीरो होता है। मींस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गैस इज जीरो। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज बी प्लस वन। जो हाइड्रोजन होता है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है बी प्लस वन होता है हाइड्रोजन। परंतु हाइड्राइड में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो माइनस होता है। हाइड्राइड, हाइड्राइड में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो माइनस होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन और हाइड्राइड का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन। फोर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू होता है। आलवे भी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज माइनस टू इन ऑक्साइड फॉर्म, बट इन पराक्साइड, परंतु पराक्साइड भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन होता है। पराक्साइड, पराक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ऑक्सीजन का वो माइनस वन होता है। और फ्लोराइड, फ्लोराइड में प्लस टू होता है। फ्लोराइड में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो प्लस टू होता है। एक जो एल्कलीन मेटल होते हैं, एल्कलीन मेटल, एल्कलीन मेटल मींस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। एल्कलिस मेटल एल्कलिस मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है यदि यह थ्री फॉर्म है तो कुछ ही होगा, लेकिन अगर यह किसी के साथ कंबाइंड है तो उस कंडीशन में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो वो प्लस होगा। और यदि एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो प्लस टू होता है। फिर जितने हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन एफ सी एल बी आर आई, इन सबका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो माइनस वन होता है। मीन्स हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है माइनस होता है। इस आधार पर, इस ऑक्सीडेशन नंबर टेबुल के आधार पर हम किसी भी कंपाउंड्स में किसी एक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर सिंपली फाइंडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि कंपाउंड्स में किसी एलिमेंट का कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंडिंग किया जाता है, जिसके लिए जो रूल बताए हैं या रूल याद रखना जरूरी होगा, तभी किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंडिंग किया जाता है। तो फॉर इंस्टांस में देखते हैं, कई कंपाउंड है, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंडिंग करना है। जो अंडरलाइन एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंडिंग करना है। तो H2SO4 इसका एक कंपाउंड है जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंडिंग करना है। तो सल्फर लेट बी एक्स, सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको एक्स मान लो, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर एक्स हो गया। और यह रूल में बताया गया है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव वन होता है, तो पॉजिटिव वन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम टू है, इसलिए टू से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू होता है, तो माइनस टू ऑक्सीजन का जो एटम है वो फोर होता है, इसमें फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर टू जीरो कर देंगे, उसको साथ करके टू प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस एट, एक्स इक्वल टू प्लस एट माइनस टू इक्वल टू प्लस सिक्स। तो इसमें सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया प्लस सिक्स आया, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स आया। और इस प्रकार से जो है इसमें किसी भी एलिमेंट का जो सभी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर सिंपली जो है निकाला जा सकता है। इसमें मैं एक और बता दे रहा हूँ, Al2SO4 कौन सा है, इसे Al2SO4 कौन सा है, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए तो सल्फर यस लेट बी एक्स, यस लेट बी एक्स, ये टू यस ओ फोर ऑथराइज यस फॉर यस करता है। और फिर ओ का ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू, और इसमें फोर से मल्टीप्लाई किया जाए, ऑक्सीजन फोर एटम है ऑक्सीजन का माइनस हो गया, तो इसे फोर है, इसमें फोर से मल्टीप्लाई किया गया है, इसमें भी फोर से मल्टीप्लाई किया जाए, और फिर इस पूरे में थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पूरे में थ्री से मल्टीप्लाई किया जाए। तो ऐसे करके फिर एयर का प्लस थ्री, एल्यूमिनियम का प्लस थ्री, ऑक्सीजन
और एयर टू है, इसमें टू से मल्टीप्लाई किया जाए इसको टू जीरो, इसको ठीक किया जाए तो सिक्स प्लस थ्री एक्स प्लस माइनस माइनस और फोर टू एन जाए थ्री इसका टू थ्री एक्स इसका टू जीरो सिक्स सिक्स प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी फोर इसका टू जीरो थ्री एक्स इसका टू प्लस ट्वेंटी फोर माइनस सिक्स थ्री एक्स इसका टू प्लस एटीन एक्स इसका टू प्लस एटीन बाई थ्री एक्स इसका टू प्लस इट मीन्स कि इसमें भी सल्फा का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स डाल इस प्रकार से और जितने कंपाउंड्स शेष हैं इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस